मैं हूं अभिषेक बारेड और आप धमचिक देख रहे हैं। ये सच है कि एक वोट से सरकारें बन भी जाती हैं और बिगड़ भी जाती हैं। चुनाव आयोग के लिए एक वोटर की कीमत क्या होती है, आज हम आपको वही समझाने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल की एक विधानसभा है, नाम है ह्यूलियांग, और विधानसभा के छोटे से गाँव मालोगम में भी चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशन बनाया है। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा क्या दिलचस्प होगा कि सिर्फ एक वोटर के लिए निर्वाचन आयोग ने पोलिंग स्टेशन बनाया है। 11 अप्रैल को मालोगम गांव की सिर्फ एक महिला विधानसभा और लोकसभा 2019 के लिए यहां से वोट करेगी। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक वोटर के लिए पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में मालोगम में सिर्फ 2 वोटर थे और उनके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। खास बात यह है कि ये भारत का सबसे छोटा पोलिंग बूथ है। इस पोलिंग स्टेशन को लेकर बीजेपी अरुणाचल प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है। ट्वीट करते हुए बीजेपी ने कहा है कि लोकतंत्र की ताकत उसके वोटर में निहित है। अरुणाचल लोकतंत्र में इसे और मजबूत कर रहा है। यहाँ सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन पर एक वोटर है। 45 ह्यूलियांग LSE के मालोगम में अस्थाई पोलिंग बूथ बनाया गया है। हर वोट की कीमत है, हर वोट नए अरुणाचल की तरफ एक कदम है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में ये बूथ है जिसके लिए चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की है कि एक व्यक्ति भी लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी करेगा और वोट डालेगा। तो आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, और अगली खबर तक हमेशा की तरह धमचेक मचाते रहिए।